वेल गाइस, आपको पता ही है जैसे कोई जॉब में अप्लाई करने के लिए एक डिग्री की जरूरत होती है, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है। वैसे ही मोटर स्पोर्ट रेसिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एक रेसिंग एकेडमी के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो मेरे पास है। जस्ट बिकॉज आपको बाइक चलाना आता है, दैट डजंट मेक यू अ रेसर, दैट मेक्स यू अ बाइक राइडर। बट अगर आपको प्रोफेशनल रेसर बनना होगा तो आपको रेसिंग एकेडमी से ट्रेनिंग कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेना होगा, और इसके बाद यू कैन पार्टिसिपेट इन टू रेसिंग इन इंडिया। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेसिंग एकेडमी की ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट के बारे में, विच इज नीडेड टू गेट इन टू रेसिंग इन इंडिया। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू मी एंड मोटर स्पोर्ट्स। माई नेम इज नितेश टिरोकर, और आज का हमारा वीडियो काफी नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए, बिकॉज दिस सर्टिफिकेट होल्ड लॉट्स ऑफ रिस्क एंड मेमोरीज, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। सो मैं इस वीडियो में रेसिंग एकेडमी से रिलेटेड सारी बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी तो आपको रेसिंग एकेडमी से ट्रेनिंग लेके ही सीखना और समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं ये सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। ये सर्टिफिकेट के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको रेसिंग से रिलेटेड रूल्स, रेसिंग स्ट्रेटजीज, रेसिंग स्टाइल्स, लाइक रेसिंग रिलेटेड सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। फिर ये सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आपको FMSCI का लाइसेंस मिलेगा, और FMSCI के लाइसेंस पे ही आपको रेसिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ दैट यू नो द बेसिक ऑफ रेसिंग एंड यू आर अ प्रोफेशनल मोटर स्पोर्ट रेसर। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या सीखा था मेरी ट्रेनिंग के वक्त, जो मैंने एटॉमिक रेसिंग एकेडमी के थ्रू कंप्लीट की थी, जो अभी ISBK रेसिंग एकेडमी के नाम से भी जाने जाते हैं। सो ऑन डे वन पहले हमें सेफ्टी गियर्स, ट्रैक रूल्स और फ्लैक्स के बारे में बताया गया। फिर हमारा ट्रैक वॉक हुआ और ट्रैक के बारे में थोड़ा बताया, लाइक स्ट्रेट्स, कॉर्नर्स एंड ऑल। फिर स्क्रूटिनी, जिसमें बाइक के बेसिक्स के बारे में सिखाया, और उसके बाद आया हमारा पहला ट्रैक सेशन। इसमें हमें बेसिक कंडीशंस दी गई, लाइक यूज ऑफ टू गियर्स, यूज ऑफ ब्रेक्स और थ्रॉटल कंट्रोल के बेसिस पे हमें ट्रैक पे बाइक चलानी थी, सो दैट हम ट्रैक को और अच्छा जान सके। फिर था हमारा नेक्स्ट सेशन, जिसमें सेम कंडीशंस थी, जस्ट दैट हमें ब्रेक्स नहीं यूज करने थे और थ्रॉटल कंट्रोल और इंजन ब्रेकिंग के बेसिस पे ही हमको ये सेशन पूरा करना था। उसके बाद हमारे प्रॉपर ट्रैक सेशंस हुए, जिसमें लाइंस, एंटरिंग एंड एग्जिट ऑन टर्न्स, कॉर्नरिंग और हिटिंग दी एपेक्स, विजन, ये सारे टॉपिक कवर किए, और बाकी पूरा दिन हमने यही सब चीज़ें प्रैक्टिस की। ऑन डे टू स्टार्टिंग में हमने डे वन का रिकैप किया, दैट इज डे वन को जो सीखा वो प्रैक्टिस किया। फिर हुआ हमारा स्पेशल ओरिएंटेशन, जिसमें तीन टाइप के ड्रिल्स थे। फर्स्ट वॉज 8 अराउंड कोन्स, देन सर्कल अराउंड कोन, और थर्ड ड्रिल वॉज ब्रेकिंग ड्रिल, जिसमें बाइक ड्रैग करके एक स्विंग पॉइंट को हिट करने पर ब्रेक अप्लाई करने थे इन सच अ वे दैट हमारी बाइक नेक्स्ट पॉइंट के पहले रुकनी चाहिए थी। उसके बाद हमें सिखाया बॉडी पोजिशनिंग, एंड आफ्टर दैट वॉज अवर लास्ट ट्रैक सेशन ऑफ द डे। यस, दिस वॉज अ 2-डे ट्रेनिंग, जिसमें आप लेवल 1 and 2 कम्प्लीट करते हो। वेल, मैंने आपको बस ऊपर की बातें बताई है। आई विल ट्राई टू मेक डिटेल वीडियो ऑन एवरी टॉपिक। सो अगर आपको हर वीडियो पे डिटेल वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट हर वीडियो के लिए अपडेट मिलता रहे आपको। ऑल्सो, आपको ये सर्टिफिकेट मिलने पर आप FMSCI के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन नेशनल रेसिंग। I would suggest you to start with one make championships. ये one make championships क्या होते हैं? ये आपको मेरे अगले वीडियो में पता चलेगा। So this is all from my side. I hope you guys enjoyed this video, learned something new. And if you did, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Follow me on Instagram to stay updated with more such interesting content. Thank you.